हेलो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। यदि ए एक्स एन ऐसी तीन राशियां हैं कि ए की पावर स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो यहां ए को हम आधार कहते हैं और ए आधार पर जो एक्स है वो एन का लघुगणक कहलाता है। इसको हम शो कैसे करते हैं, लॉग ए को बेस यानी कि आधार कहते हैं, एन पर लघुगणक है एक्स, इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। अब हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स देख लें कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट रूल है इसका, प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉ है जो इसका, वो है लॉग ए एम एन। यदि दो राशियां गुणा के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो वो हो जाएगा लॉग ए एम प्लस एन। लघुगणक वास्तव में है क्या, जो बड़ी संक्रियाएं हैं जैसे कि गुणा और भाग, उनको छोटी संक्रियाओं धन जोड़ और घटाने के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो log a mn is equals to log a m plus log a n हो जाएगा। अब दूसरा रूल है quotient रूल। इसमें क्या होता है, यदि log m upon n दिया हुआ है तो log a m minus log a n हो जाता है। यानी कि इन डिवाइडेशन के फॉर्म में यदि नंबर्स हैं तो वो log के तरफ जाके क्या हो जाएंगे, log m minus log n हो जाएगा। पावर का रूल है। पावर रूल में क्या होता है, लॉग ए एम की पावर एन लगी हुई है, इसको शॉर्ट करेंगे हम एन, यानी कि जो पावर का नंबर है वो सामने आ जाएगा, एन लॉग एम हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है चेंज ऑफ बेस रूल लॉ। बेस यानी आधार को जब हमें चेंज करना पड़ता है तो लॉग ए एम, यहाँ आधार क्या है, ए है, तो लॉग बी, हमने आधार ए से आधार किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में कर दिया, लॉग बी एम इंटू लॉग ए इंटू बी कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, ये लॉग के आपके पास रूल्स हमने बताए हैं, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विदाउट यूजिंग ऑफ लॉग टेबल। इसमें हमें लॉग टेबल का यूज ना करते हुए इस सवाल को हल करना है, लॉग के जो हमने आपको रूल्स बताए थे उन्हें फॉलो करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन है लॉग 144। ये एक बहुत बड़ा नंबर हमें दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसे गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ लेंगे। दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो तीय 6, दो छिंग 12, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो नौ 18, तीन तिरका 9 और तीन एकम 3। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और तीन तिरका 9। यानी कि हम 144 को लिख सकते हैं log 16 इंटू 9, ऐसा हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस एक नंबर को दो नंबर, छोटे दो नंबर्स के फॉर्म में और इंटू प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। हमने ऐसा क्यों किया, अब हम ऐसा करके क्या करेंगे, log के रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। हमारे पास रूल्स है log m इंटू log n, जो कि हो जाता है log m प्लस लॉग एन, ये हो जाता है हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको लॉग 16 प्लस लॉग 9 हो जाएगा। अब हम फिर देखेंगे आगे, हम इस 16 ये के बड़ा नंबर है और इसको भी हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, दो एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 2 की घात कितनी लग रही है यहाँ पे, 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log 2 raise to 4। 16 को हम बता सकते हैं 2 raise to 4 के फॉर्म में, और ऐसे ही यहाँ 9 इसको क्या कर सकते हैं, 3 raise to 2 कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया। अब अगेन हमारे पास एक जो पावर रूल था वो क्या कहता है, वो कहता है log m की पावर n हो तो हो जाता है n log m हो जाता है, पावर सामने आ जाती है, ये हमारा रूल है। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 log 2 प्लस 2 log 3। तो ये हमने सिंपली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग ऑफ log टेबल, जो कि हमारा आंसर आ गया 4 log 2 एंड 2 log 3, इस फॉर्म में आ गया। ऐसे हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, log 49 अपॉन 27। अब ये 49 अपॉन 27 जो कि भागफल के फॉर्म में दो संक्रियाएं हैं, इसको भी हम लॉग के जो हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 7 7 49, ऐसा कर सकते हैं। अब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन करके देख लें, 3 times 27, 3 3 9 और 3 3, यानी 3 की पावर कितनी आ रही है, 3।
3 आ रही है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को पहले समराइज शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल? लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन कर सकते हैं। तो चले हम करें, लॉग 7 रेस टू 2 माइनस लॉग 3 रेस टू 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगेन हम पावर रूल अप्लाई कर लें, एन लॉग एम जो होता है वो हो जाता है लॉग एम की पावर एन, जिस फॉर्म में है तो हम इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 लॉग 7 माइनस 3 लॉग 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने देखा लॉग 49 अपॉन 27 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 लॉग 7 माइनस 3 लॉग 3। इस तरीके से हमने बिना लॉग टेबल का यूज किए लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास 8 log 2 माइनस 2 log 4 अपॉन log 2। सिंपल, हम अपने log के लॉगरिथम के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऊपर देख रहे हैं जो कि हमारा अंश में जो वैल्यू दी हुई है वो है 8 log 2 माइनस 2 log 4, जो कि कुछ इस फॉर्म में है n log m। इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे ये रूल। ये हो जाएगा log 2 की पावर 8 माइनस, यहाँ पे भी हम यही रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा log 4 की पावर 2। सिंपल, हमने हमारा पावर रूल फॉलो किया यहाँ पे। नेक्स्ट, नीचे हम अभी कुछ नहीं कर रहे, log 2 एज इट इज हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम देख रहे हैं कि बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो हमारा जो कोशेंट वाला रूल है जो कि कहता है log m माइनस log n हो तो हो जाता है log m अपॉन m। तो यहां पे हम यही फॉलो करते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको, log 2 की पावर 8 अपॉन log 4 की पावर 2। सिंपली हमने रूल फॉलो किया और यहां पे लिख दिया log 2। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा log 2 रेस टू 8 है और यहां पे है 4 रेस टू 2 है, 4 4 16। इसको भी यदि हम 2 के फॉर्म में बनाए तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर के फॉर्म में कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 4 आ जाएगी अपॉन log 2 पहले से हमारे पास था जिसे हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहां से 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 कट हो जाएंगी, बचेगा क्या, कितना, 2 की पावर 4 अपॉन log 2 बचेगा। अब फिर अगेन हमारे पास जो पावर रूल है वो कहता है n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n, इसी को हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 log 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी log 2 था, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया 4 विदाउट यूजिंग ऑफ log टेबल।